लोहारी के इलाके में तीन अफराद की फायरिंग, एक नौजवान जहां भाग। नवीद भट्ट ने अपने बेटे नुमान और साथी अली से मिलकर फरहाद पर फायरिंग की। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसाम अजमल से। हसाम बताइएगा ये माजरा क्या था। बिल्कुल, आज रात ये वाकया पेश आया, अफसोसनाक वाकया लोहारी गेट में लाहौर में, और मनशात फरोशी से जो है ये मामला शुरू हुआ और मौत इसकी जो है वो अंजाम इसका जो है वो कत्ल हुआ। और मनशात फरोश बाप और बेटे और ने साथी समेत मिलकर 25 साल नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और मकतूल फरहाद ने हमसाया नवीद भट्ट और मनशात फरोश, उसके वालिद नुमान भट्ट और साथी अली रजा को जो है वो मना किया था मनशात फरोशी से, जिस पर उनका झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो कत्ल तक बाद जो है वो पहुंच गए। और मुलजिम कत्ल करने के बाद जो है वो हवाई फायरिंग करते रहे और इलाके में खौफो हिरास जो है वो पूरे तरीके से फैल चुका है। पुलिस ने मकतूल फरहाद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने में जमा करवा दिया है और अभी तक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसाम अजमल।